अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शद मुगल और आप देख रहे हैं अर्शद ब्लॉग। जी नाज़रीन अकराम, इस वक्त मैं फैसल मूवर्स के टर्मिनल पे हूं, 26 नंबर चौकी। और यहां क्यों आया हूं जनाबी अली, चाइना के लिए बस सर्विस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है 2024 में। जी जनाब सलीम भाई, ये जी पहले बंद हो गई थी सर्विस, दोबारा शुरू हुई, ये क्या रीज़न है जी? सर सर्विस हमारी बंद नहीं हुई थी। अच्छा, बॉर्डर एक्टिविटी क्लोज हो जाती है सर्दियों में बर्फबारी की वजह से। जैसे ही बॉर्डर ओपन हुआ था सर्विस ओपन हुई। क्या बात है जनाब, क्या बात है जी। अभी आपको दिखाते हैं जी इनकी बस और फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करेंगे आपको। जी नाज़रीन इकराम, ये है फ़खर साहब और जीएम है यहाँ के। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे जी मेरे नाज़रीन को, इस सर्विस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। ये चाइना के लिए फैसल मूवर की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की काविश है जी, जो पाकिस्तान से जितने भी लोग हैं वो बाई रोड अगर चाइना जाना चाहते हैं जी, तो वो हमारी इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। सही। और एक तो रास्ता में सारा जो है वो उसको एक्सप्लोर करते जाते हैं जी, और बाय रोड लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। सही। और फिर ये चीपेस्ट भी है, बाय एयर आपका जो है वो फेयर बहुत ज़्यादा है जी, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बाय रोड जो है वो ये अफोर्डेबल है। सही। और रास्ते में किन किन मकामात पे आप गाड़ी को जो है वो रोकेंगे और कौन कौन सी जो है ना वो फैसिलिटीज़ हैं पब्लिक के लिए? ये रास्ते में 2 से 3 जगह इसके स्टॉप होते हैं जी, जिसमें हम इनको जो हमारे मुसाफिर हैं उनको हम रास्ते में खाना भी देते हैं जी, नाश्ता होता है, फिर इनके लिए 1 नाइट स्टे का जो है वो अरेंजमेंट है। अच्छा, सुस्त पे। सही। उसके बाद फिर वो सुबह फिर नाश्ता करके तो वो इमिग्रेशन के लिए बॉर्डर पे चले जाते हैं। जो टिकट है वो तो तकरीबन 3 डेज़ बिफोर जो है ना वो लेना पड़ता है। सही। क्योंकि ये लंबा सफ़र है, फिर इसमें 2 कंट्रीज़ का जो है चाइना और पाकिस्तान का वो इश्तराक है जी, तो 3 दिन पहले टिकट कंफर्मेशन करनी होती है। सही। उसके बाद जो बोर्डिंग का टाइम है वो हमने तकरीबन 1 घंटा रखा हुआ है कि डिपार्चर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले आके सामान की चेकिंग और बोर्डिंग का जो है ना वो सिलसिला शुरू हो जाता है। सही। और सिक्योरिटी का भी आपने खातिर ख्वाह बंदोबस्त किया हुआ है, सामान की चेकिंग और जितने भी जो दीगर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए हुए हैं आपने? जी बिल्कुल, सामान की प्रॉपर चेकिंग होती है। सही। और उसको प्रॉपर चेक करने के बाद उसको सील किया जाता है। सही। सील करने के बाद हम डिग्गी में रखवा देते हैं, उसके बाद वो बॉर्डर पे ही वो निकलता है सामान, जहाँ पे इमिग्रेशन होनी होती है। सही। जी नाज़रीन अकराम, बस में हम बैठ गए हैं, मैं चाइना तो नहीं जा रहा, लेकिन चलें जी सलीम भाई से ख्यालों में चाइना घूम के आते हैं। क्यों जी सलीम भाई? जी जरूर। क्या बात है जी। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, माशाल्लाह इनकी सीट जो है वो कंफर्टेबल है। अच्छा गाड़ी कौन सी है जी? ये हमारी एग्जीक्यूटिव मिनी यूटोंग बस है। अच्छा, कंफर्टेबल है। इसमें वैसे तो ज्यादा सीट्स होती हैं, लेकिन हमने कम करके लेग स्पेस बढ़ा दिए ताकि पैसेंजर्स के लिए ज्यादा आराम दे। अच्छा, क्योंकि लंबा सफर है तो पैसेंजर्स को थकावट का एहसास ना हो। अच्छा, ये बस हमारी न्यू सिटी टर्मिनल इस्लामाबाद से हफ्ते में 2 दफा वीकली 2 टाइम रात 1 बजे रवाना होती है चाइना ताशकरगंज के लिए। हमारा ये सफर 38 आवर्स का होता है। ओके। नाज़रीन अकराम, बहुत खूबसूरत वादियां हैं, जब आप यहां से एबटाबाद को टच करते हैं और वहां से फिर आपको कुदरत के हसीन शाहकार हसीन नज़ारे आपका दिल मोह लेते हैं, और फिर जब आप कोहिस्तान को क्रॉस करते हैं तो फिर दुनिया ही चेंज हो जाया करती है, और कोहिस्तान के बाद जब आप गिलगित बल्तिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले आपको दरिया सिंध सलाम करता है और बुलंद व बाला जो चोटियां हैं वो आपको खुशामदीद कहती हैं। तो जनाबी अली, किराया आप बताइएगा जी पर पर्सन कितना है? अच्छा सर, हमारा जो किराया है ना वो है 40,000 पर पर्सन। 40,000। लेकिन हमारी क्योंकि इस साल में दोबारा से सर्विस स्टार्ट हुई है जी, खुजराब टॉप बंद हो जाता है बर्फबारी की वजह से जी, जैसे ही ओपन हुआ तो सर्विस भी ओपन हो गई है, तो हमारे कस्टमर्स की एक तरह से आप कह लें कि उनको खुश आमदीद करने के लिए हमने
अभी प्रमोशन चलाई है जी, 20% हमने ऑफ किया हुआ है और हमारी जो टिकट इस टाइम वो है 32,000 20% ऑफ करके। ओके, और इसकी बुकिंग जो है वो कितने दिन पहले करवाना पड़ती है? सर बुकिंग के लिए हमारा हर महीने का शेड्यूल आता है। अच्छा, उसमें किसी भी दिन आप 24 आवर हमारे UN नंबर पे कॉल करके बुकिंग करवा सकते हैं। ओके, और खुद भी आके आप टिकट ले सकते हैं? हमारे पूरे पाकिस्तान में उसकी लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वहाँ आके आप टिकट परचेज कर सकते हैं। ओके, किसी बंदे का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो उसका क्या तरीकेकार है, रिफंडेबल है या नॉन रिफंडेबल है? टिकट नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, हाँ, टिकट आप नेक्स्ट डिपार्चर में चेंज करवा सकते हैं। अच्छा, उसकी सहूलत मौजूद है। ओके, सिर्फ आपने ट्रैवल ही करवाना है या रास्ते में कुछ खाने पीने का भी है बंदोबस्त? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बंदोबस्त है। हम यहाँ से अपने पैसेंजर को बड़ी मोहब्बत के साथ अपने साथ कैरी करते हैं। ओके, इसमें हमारे साथ बिजनेस लाउंज की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो देते हैं। अच्छा, सफर के दौरान हमारी बिजनेस की रिफ्रेशमेंट है। ओके, उसके अलावा हमारा इसमें ब्रेकफास्ट शामिल है। ठीक, बेहतरीन किस्म का हमारा, बेहतरीन किस्म का इसमें लंच है, इसमें सुस्त बॉर्डर पे फिर जाके हमारा डिनर है। ओके, बेहतरीन लोकेशन पे, उसके अलावा नाइट का स्टे, फिर सुबह का ब्रेकफास्ट, वो सब सहूलत है। अच्छा, नाइट का जो स्टे है वो किससे का कराएंगे आप? वो हम करवाते हैं सुस्त बॉर्डर पे। अच्छा, होटल ठीक है? जी, बहुत बेहतरीन होटल है, 20 पॉइंट होटल है, आप इसको गूगल करके चेक कर सकते हैं। ओके, बहुत जबरदस्त होटल है, CCTV कैमरास भी वहाँ मौजूद हैं, यानी मुकम्मल सेफ्टी का भी सेफ्टी का बंदोबस्त है। अच्छा, सेफ्टी की आपने बात की तो गाड़ी की सेफ्टी की बात करते हैं। गाड़ी में किस किस्म की सेफ्टी के मेजर्स आपने लिए हुए हैं? खुदा ना खास्ता रास्ते में अगर कोई बंदा बीमार हो जाता है या मतलब थोड़ा बहुत बीमार हो जाता है तो उसका भी कोई है बंदा? अच्छा सर, गाड़ी में हमारे जो है फर्स्ट एड बॉक्स मौजूद है। ओके, गाड़ी के साथ होता है ना कोई गाड़ी मशीन है ना, मशीनरी है, किसी जगह कोई खराबी पेश आ जाए अल्लाह ना करे तो उसका भी कोई आपने हल निकाला हुआ है? अच्छा सर, ऐसा है कि माशाल्लाह से गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, एक तो हम इस रोड पे अपनी बिल्कुल नई गाड़ी लेके जाते हैं। अच्छा, दूसरा हमारी वर्कशॉप की जो है ना फैसिलिटी वो इतना मतलब जबरदस्त, वहाँ पे काम किया जाता है, हमारे बेहतरीन किस्म के इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रास्ते का ब्रेक डाउन है ना वो जीरो है। इस तरह की शिकायत ना पहले कभी थी ना आइंदा कभी हमारे कस्टमर्स को आएगी। सही, तो मुसाफिरों के साथ रवैया वो मैं सफर करूंगा तो पता चलेगा ना ये। अच्छा सर, आप हमारे पास आते जाते रहते हैं तो हमारे रवैये, अगर आप, मेरा ख्याल है कि आपको लगेगा कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी पब्लिक सर्विस प्लेस पे जो सबसे बेहतरीन सर्विस है तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फैसल मोड़ पर मिलेगा। माशाल्लाह जी, बिल्कुल जी, मैंने एक्सपीरियंस किया है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों का मैंने सफ़र किया है तो इनकी सर्विस मैंने ज़्यादातर इन्हीं के थ्रू मैं गया हूँ, यानी इन्हीं की सर्विस को मैंने यूज़ किया है। और फिर जी आप जब वहाँ से आएंगे, अगर कोई चाइना से इधर, जहरी बात है इस बस ने वहाँ से वापस भी आना है तो उसका क्या तरीकेकार है, वहाँ से बुकिंग होगी क्या होगा? जी, उसके लिए हमारा सोशल मीडिया टीम है जी, वो हर टाइम अपने कस्टमर्स के साथ रابطے में रहती है। हमारा जो इसमें हेल्पलाइन है उसके UN नंबर पे हम अपने कस्टमर्स के साथ रابطے में रहते हैं, तो हमारी वापसी का शेड्यूल भी इसी तरह जारी होता है और हम अपने तमाम कस्टमर्स को वहाँ से फैसिलिटेट करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होगी? हम विद इन पाकिस्तान ट्रैवल करते हैं तो वो तो ID कार्ड से हमारा काम चल जाता है, तो जब आप जाएंगे चाइना तो मुसाफिरों के से आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मांगते हैं आप? अच्छा जी, चाइना जाने के लिए ना मुसाफिरों का हमें पासपोर्ट, वीज़ा, इनविटेशन लेटर, कोविड कार्ड और PCR टेस्ट। अच्छा, ये चीज़ें हम डिमांड करते हैं और यही इमिग्रेशन के प्रोसेस में जो है चाहिए होती हैं। ओके, ये वैलिड वीज़ा, वैलिड पासपोर्ट, इन्विटेशन लेटर, कोविड सर्टिफिकेट और PCR टेस्ट। ओके, अच्छा जब आप खुंजराब से चाइना एंटर होते हैं तो वहाँ कितना टाइम लग जाता है क्लीनस में? जहरी बात है जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो उनकी जो कस्टम है उनका जो भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो रोकते तो हैं रास्ते में। अच्छा सर, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मोस्टली कोई 30-40 मिनट्स लगते हैं अगर फुल बस है तो उसको क्लियर करने में। अच्छा, इनसाइड चाइना 30-40 मिनट्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं। अच्छा, एक और बात जी, किसी के जहन में ये ना आए कि वीज़ा भी आप लगवा के देते हैं, इस तरह का कुछ सीन तो है नहीं? अच्छा सर नहीं, हमारी प्रॉपर बस सर्विस है, हम अपने तमाम सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुकम्मल फैसिलिटेट करते हैं सफ़र के लिए। अच्छा अच्छा, किसी भी भाई ने अगर वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो सीधा अम्बेसी जाए।
माशाल्लाह जी गाड़ी को सजाया जा रहा है। माशाल्लाह ये देखिए जी, पाकिस्तानी परचम की झंडियां और कुछ बैलून भी लगा रहे हैं। गाड़ी जो है वो नई है, बिल्कुल नई और अच्छी कंडीशन में है और कंफर्टेबल भी होगी। सीट तो माशाल्लाह कंफर्टेबल है और सीट बेल्ट्स भी हैं, आप सीट बेल्ट को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीट को पीछे करने के लिए ये बटन प्रेस करेंगे तो आप ये बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, आप ऐसे सुकून के साथ सो भी सकते हैं। हर सीट के सामने एक स्क्रीन लगी हुई है, बस पैड, और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मूवी देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। मुसाफिर आना शुरू हो गए हैं और एक मुसाफिर है, चाइनीज है ये। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, व्हाट इज योर नेम? येन। ओके, आर यू गोइंग फर्स्ट टाइम बाय बस टू चाइना? यस, इट इज माय फर्स्ट टाइम टू चाइना बाय रोड ट्रिप फ्रॉम फिशर मूवर्स। ओके ओके, दैट्स आई कैन सेल एंड गुड सर्विस फ्रॉम हियर। आई विल चूज अगेन from this road trip. It's okay. Good, nice. You are already using this service within Pakistan? Yes, Fisher Moore is famous for okay. Me. Also, I also want to try to experience road trip. Yes. Okay, and I hope you will enjoy this trip, and after that you will come again by bus. Yes, sure. Next time I will choose a good by Fisher Moore. Thank you very much. Okay. Have a nice day. Okay. के एच पे अगर आप सफ़र करें तो थोड़ा सा डर भी लगता है, और आप सोचें कि जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो कितनी महारत के साथ गाड़ी चलाते हैं। जी जनाब अली, माशाल्लाह जी, कैसे हैं आप? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे? जी सर। क्या नाम है आपका? राजा शाकिर। माशाल्लाह, राजा साहब इधर के रहने वाले आप? जी सर, चकवाल का। अच्छा, क्या बात है जनाब। कितना अरसा हो गया फैसल मूवर के साथ? सर जी, 4 साल हो गए। 4 साल हो गए जी, जी। सही। तो इससे पहले आपने ड्राइविंग सीखी, कहाँ चलाई आपने इस तरह की बड़ी गाड़ी? सर जी, मैंने चकवाल चलाई है, चकवाल से लाहौर और इस्लामाबाद। अच्छा जी जी। तो ये जो शराय कराकरम है KKH, इसका भी एक्सपीरियंस है आपके पास, या आप कह लें कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? नहीं सर, मैं सेकंड टाइम जा रहा हूँ। इससे नेक्स्ट जो सीजन बैक वाला गुजरा है उसमें मैंने ड्राइविंग की है। अच्छा, हाँ जी। कैसा लगा जी? जी बहुत अच्छा है, और टफ रूट है, लेकिन हाँ जी, लेकिन बंदे को हौसला नहीं हारना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। और आप तेजी तो नहीं करते ना, आप जब चलाने में अपनी रफ्तार को जितनी रिक्वायर्ड स्पीड है उसी पे रखते हैं? सर जी, रोड पे साइन बोर्ड की ड्राइवर के लिए जुबान होती है। अगर जिस ड्राइवर ने साइन बोर्ड को समझ लिया उसके लिए ड्राइविंग यानी कि पहाड़ी में कोई मुश्किल नहीं है। जो भी एरिया हो, अगर स्पीड को फॉलो करेगा साइन बोर्ड की, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। चले जी, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैरियत से जाएं, खैरियत से आए। बस की रवानगी तकरीबन तैयार है, और रवाना होने से पहले दुआ की गई, और दुआ के बाद फिर गाड़ी ने अपना सफ़र शुरू किया। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का वाला कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।